आज मैं कॉलेज से वापस आया और मैंने यूट्यूब खोला, गेमिंग पे गया, तो पता लग रहा है कि गेमिंग कम्युनिटी में कुछ और ही चल रहा है। पबजी एमुलेटर को लेके, ये पबजी मोबाइल के एमुलेटर को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है डायनामो और कैरी के अगेंस्ट। सिख वॉरियर चैनल है। अब मेरा पंगा यहाँ पे किसी से नहीं है, मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक बंदे ने पॉइंट उठाया, मुझे नाम याद नहीं उसका, मैंने भी उसकी वीडियो देखी थी, कि डायनामो कहता है कि वो गेमिंग को इंडिया में आगे लेके जा रहे हैं, डायनामो और कैरी कहते हैं। हाँ, ये बात भी सच है एक तरह से, लेकिन अगर सही मायने में बोले तो ये ज़्यादा सच नहीं है, क्योंकि गेमिंग उन्होंने एक तरह से इंट्रोड्यूस कराई, पबजी मोबाइल ने इंट्रोड्यूस कराई गेमिंग, बहुत बढ़िया। लेकिन जो गेमिंग असल में है वो ना तो लोगों को पता लग रही, ठीक है, ना उन्हें गेम का एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं पबजी मोबाइल खेले जा रहे हैं, कैरी करता है, कैरी करता है अपनी, मतलब नई नई गेम ला के देता है, अभी एलियन आइसोलेशन लाया, वो रेजिडेंट ईविल 2 लाया, लेकिन डायनामो और मॉर्टल जो है, मॉर्टल तो चलो अपना आईपैड पे करता है, वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन डायनामो कहता है कि वो गेमिंग को, मतलब इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को आगे लेके जा रहा है एज इन गेमिंग। तो ये बात तो मैं तो सीरियसली मतलब डिसएग्री करता हूँ इस बात से। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो कमेंट में नीचे बता देना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि गेमिंग गेम खेलते हैं लोग, ठीक है, लेकिन पंगा ये है कि सिर्फ एक ही गेम में घुसे रहते हैं। अब ना तो वो एक्सप्लोर करेंगे, ना उन्हें पता चलेगी नई नई चीज़ें, ना वो एजुकेट होंगे। अब ये बात भी पॉइंट अच्छा है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, कईयों के पास पीसी बनाने के लिए महंगा शौक है, ठीक है, लेकिन भाई जो लोग तुम्हारे पास ऑडियंस है, जो बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं एमुलेटर पे खेलने वाले, भाई लाख लाख रुपए के पीसी होते हैं इनके, लाख के भी नहीं तो 50,000 के तो होंगे ही। एक डिसेंट सी पीसी गेम पैलेडिन्स है यार, चलो तुम्हें नहीं खेलनी पैलेडिन्स, ठीक है, समझ आता है, लेकिन और भी गेम्स होती हैं, तुम वो स्ट्रीम कर सकते हो यार। लाख लाख रुपए के पीसीज होते हैं, लाख दो लाख के इजीली। अब कैरी की मुझे यही बात सही अच्छी लगती है कि वो एलियन आइसोलेशन लेकर आया, ठीक है, रेजिडेंट ईविल 2 लेकर आया, गॉड ऑफ वॉर लेकर आया, वो लाता है वैरायटी। पर इमुलेटर में सारे घुसे रहेंगे, पबजी 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 में घुसे रहेंगे, आगे कहाँ बढ़ेंगे? ये तो वही बात होगी ना कि गड्ढे में गाड़ दिया खूंटा और खूंटा वहीं का वहीं, ना तुम कुछ सीखोगे, ना तुम्हें नई नई चीज़ें समझ आएंगी, और फिर तुम बोलोगे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कहाँ है, कहाँ है गेम्स, किसी को कुछ पता ही नहीं। अब कईयों को डोटा नहीं पता, कईयों को CS:GO नहीं पता, CS:GO ऐसे बहुतों को पता होगा, कुछ होंगे तो उनको नहीं पता होगा। अब कईयों को मॉर्टल कॉम्बैट नहीं पता, कईयों को रेजिडेंट ईविल नहीं पता, वही बात होगी ना कि वहीं के वहीं पड़े, हमें कुछ सीखना नहीं। अब तुम्हें गेम के बारे में नहीं पता होगा कि गेम में कितनी टाइप्स की गेम होती हैं, वैरायटी क्या होती है गेम्स की, गेम्स में क्या क्या होता है, कितने जॉनराज होते हैं, कितनी आर्ट स्टाइल्स होती हैं, तो तुम्हें गेमिंग की एजुकेशन नहीं होगी। गेम के बारे में नहीं पता होगा तो तुम सिंपल सी गेम टेस्टर तक की जॉब नहीं ले सकते। अब यहाँ पे करियर बनाने की तो बात अलग ही चीज़ हो जाती है, लेकिन एक जनरल एजुकेशन होती है वो कहाँ से मिलेगी, ठीक है। अब तुम्हें आइडिया नहीं होगा गेम का, बस तुम्हें इतना पता है कि पबजी में ये इंटरफेस होता है और पबजी में यहाँ बटन होते हैं, यहाँ बटन होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ज्वाइन होता है, यहाँ से क्लैन बनता है, सिर्फ पबजी। और एजुकेशन तुम्हें धेले भर की नहीं, ना तुम्हें गेम के एलिमेंट का पता, ना तुम्हें ये पता कि FPS क्या होता है, ना तुम्हें ये पता कि MMO क्या होते हैं, तो अलग। तो बस मेरा ये है कि यहाँ पे ऑडियंस को समझना पड़ेगा यार, मुझे समझ नहीं आता ऑडियंस सीखना क्यों नहीं चाहती यहाँ पे, वहीं के वहीं अपने कंफर्ट जोन में वहीं के वहीं घुसे रहना, वहीं के वहीं मरे रहना, कुछ सोचते क्यों नहीं कि हम भी कुछ जाने भाई, हम भी कुछ एक्सप्लोर करें, हम भी दुनिया देखें, हम भी नई नई चीज़ें देखें। अब बाकी मैं डिटेल में, मैंने एक अपनी कॉलेज की प्रेजेंटेशन के लिए वीडियो बनाई थी गेमिंग के ऊपर कि कितने टाइप की गेम होती है और गेम में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, तो वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा अब दोबारा चैनल पे, मतलब दोबारा नहीं मतलब डाल दूंगा थोड़े टाइम में। लेकिन पंगा यहाँ पे बस इतना है कि ये जानो कि गेम्स होती क्या है असल में। गॉड ऑफ वॉर का नाम कहीं ना सुना होगा, कईयों को टेकन नहीं पता होगी, कईयों को इंजस्टिस नहीं पता होगी कि कैसी गेम है, कईयों को ये नहीं पता होगा फाइटिंग स्टाइल गेम क्या होती है, कईयों को असैसिन्स क्रीड नहीं पता होगा, अब कईयों को टूम्ब रेडर नहीं पता होगा, उसे भी कई लोग टॉम रेडर बोलते हैं, बट टूम्ब रेडर है असल में तो प्रोनंसिएशन, अब उसको छोड़ो बाकी। बस यही है कि किसी को ये मत करो कि
हाँ डायनामो बुरा या कैरी बुरा, बुरा कोई नहीं है, मेहनत सब करते हैं, सब अपने लिए भी मेहनत करते हैं और कुछ कभी कभी दूसरों के लिए भी करते हैं मेहनत, वो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरा बस ये है पंगा कि इन लोग ये लोग कर सकते हैं कि गेमिंग को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, सिर्फ पबजी में नहीं घुसे रहो यार सारे टाइम, फोर्टनाइट भी है, एपेक्स लेजेंड्स भी है, इतनी अच्छी गेम है एपेक्स लेजेंड्स, इतनी प्यारी गेम है। अब पबजी पीसी मैंने खेला, मैंने अब तक 10 गेम खेल चुका हूँ पबजी पीसी के, और दो में ही एक किल ले पाया हूँ बस, दोनों में एक एक किल लिया दो गेम में बस, इतनी हार्ड गेम है, बहुत दिमाग लगता है उसमें। अब इमुलेटर पे डायनामो ने भी अपनी वीडियो में कहा था कि तुम आओ कॉन्करर बनो, तुम खेलो, तो देख सबसे पहले भाई डायनामो, सबसे पहली बात तो हर किसी के पास टाइम नहीं होता, ठीक है, अब तूने करा मेहनत, तूने बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब पंगा ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि इमुलेटर सही में इजी है, अब डायनामो कहता है कि इजी नहीं है, कंपटीशन इजी नहीं है ना, लोग हैं, लेकिन मानो या ना मानो पबजी पीसी खेलना ना एक मतलब बेसिक लेवल खेलने का, जो नॉर्मल कैजुअल बंदा भी खेलता है उसके लिए भी खेलना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है। अब बाकी स्किल्स तो तुम एक्वायर करते ही हो टाइम टू टाइम, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पबजी इमुलेटर बहुत ईजी है खेलना। और जो मेरा भी वैसे मिड एंड का पीसी है, पर काफ़ी अच्छा पीसी है मेरा, तब भी इमुलेटर पे खेलना बहुत ईजी है। अब इमुलेटर का आया इसलिए कि लोग इन्जॉय कर सके गेम, जिनके पास वो हाई एंड पीसी नहीं है अपना, या फिर कोई नॉर्मल सा लैपटॉप भी है उस पर इन्जॉय कर सके, इसलिए आया था वो। अब यहाँ पर तो ऐसे बना दिया बवाल कि हाँ भाई यही हैं लोग। और दूसरी बात, अगर कुछ लोग बोलेंगे कि मैं डायनामो के फैन और कैरी के फैन, कि मैं उनका नाम लेके अपने चैनल को प्रमोट, मतलब क्लिकबेट नहीं कहते कि उनके नाम से अपने चैनल को उठा रहा है, अपनी उनके नाम पे चढ़ के अपने चैनल को पॉपुलर, मान लो भाई मेरा तो क्या ही नुकसान हो रहा है, तुम दो कमेंट में चार गालियां दोगे कोई नहीं, कम से कम देख तो रहे हो। अब पंगा, अब बस मैं इतना चाहता हूँ कि सुधर मतलब समझो बात को, कैरी बस इसलिए अच्छा लगता है कि एंटरटेन बहुत अच्छा करता है वो, और दूसरा कि वो वैरायटी लाता अपने गेमिंग चैनल पर इतनी फ्रीक्वेंटली लाता। और तुम्हें अगर देखना है कि जो से मतलब प्रॉपर पीसी गेमर क्या होते हैं, मतलब इंडियन पीसी गेमिंग में जो नाम है, एक तो राका जोन गेमिंग है जिसको मैं जानता हूँ अच्छे से, मतलब जानता नहीं हूँ वैसे इंडियन कि उसकी स्ट्रीम्स देखता हूँ मैं, एक तो वो है ठीक है, और एक भास्कर गुप्ता गेमिंग भी है, उसने पबजी मोबाइल खेला है बीच बीच में, पर वो पीसी गेम्स ज़्यादा लाता है, पीसी गेम्स बहुत सही तरीके से लाता है, तो उन दोनों की स्ट्रीम्स मैंने देखी है, तो दोनों बहुत सही खेलते हैं, तो एक बार जाके उनको चेक करो। और सही में पबजी पीसी चांस मिले तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत मतलब मुश्किल है, बहुत आसानी, बहुत टाइम लगता है उसको सीखने में, इमुलेटर पर खेलना सही में ईजी है। अब तुम्हें ऐसा है कि चलते फिरते खेलनी है या फिर कोई थोड़ी देर का टाइम मिला तो जा तो इमुलेटर पे खेलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ढंग से खेलनी है और तुम्हें सही में मतलब गेमर कहना है अपने आप को, या फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गेमर होना, तुम अगर इन जनरली गेम्स को पसंद भी करते हो कि भले ही खेल नहीं पा रहे हो, तुम गेम के बारे में नॉलेज भी रखते हो, ऐसे तुम्हें पसंद भी है और तुम नॉलेज भी रखते हो, तब तुम गेमर हो, सिंपल। बस ये है कि एक दूसरे को ना वो करना बंद करो कि नीचा दिखाना बंद करो। अब यहाँ पे पंगा आता ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाते कि हाँ भाई हम महान हैं, तो वो चीज़ गलत है, लेकिन ये बात भी जानो कि इमुलेटर पे खेलने से तुम कोई प्रो गेमर नहीं बन जाते। अब डायनामो ने मेहनत करी है नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस ये है पंगा कि वो ऐसे कह रहे कि हम गेमर हैं, मतलब इंडियन कम्युनिटी को हम आगे लेके जा रहे हो, तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारे व्यूअर्स अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे व्यू वो कम्युनिटी है तुम्हारी, पर तुम उनको और भी तो कंटेंट दो, तुम्हारा एक तरह से अनकही ड्यूटी फर्ज बन जाए तुम्हारा कि तुम लाओ लोगों को दिखाओ कि हाँ भाई ये भी गेम्स होती हैं, ठीक है। गेम्स का मतलब सिर्फ यही नहीं कि पबजी 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 और पबजी और पबजी मोबाइल, बस ये नहीं होती गेम्स, सिर्फ यही गेम्स नहीं है, एक जॉनरा है गेम्स का, तो समझो इन चीज़ों को। तो बाकी अगर तुम्हें कोई भी बुरा लगा हो, अच्छा लगा हो, जो भी सजेशन हो, तुम कमेंट में डाल देना और वीडियो को शेयर कर दो,
ताकि लोग जाने कि गेम सिर्फ पबजी ही नहीं है, और भी है, और सिर्फ डायनमो नहीं है, सिर्फ मॉर्टल नहीं है, और भी स्ट्रीमर्स हैं, उनको भी सपोर्ट चाहिए, वो भी मेहनत करते हैं, मैं भी करता हूँ, ठीक है, मुझे भी सपोर्ट चाहिए। अब क्या ही बोलूँ, लेकिन ये है कि मेहनत वो लोग भी करते, सब करते हैं मेहनत, उनको भी देखो और तुम भी जानो यार, खुद भी एजुकेट होगे, उनकी गेम देखोगे, उनकी स्ट्रीम्स देखोगे। अब मैं भी 23 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है गेम मोर्टल कॉम्बैट 11, अब मैं भी उसके स्ट्रीम तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत हैवी पड़ेगा और मेरे पास कैप्चर कार्ड तो है नहीं, लेकिन मैं उसकी वीडियो ज़रूर डालूंगा। और दूसरा ये कि हाँ, लाइक कर देना वीडियो को, लाइक करो अच्छी लगी तो, डिसलाइक कर देना नहीं अच्छी लगी तो, और कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा और क्या अच्छा लगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर अगली स्ट्रीम में मिलते हैं, मैं भी स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ कुछ दिन से, पेपर चल रहा है और भी काम है, मैं और भी बहुत कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता तुम्हें चैनल पर शायद दिखे ना दिखे वो चीज़ें। अब हाँ, और शेयर कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, तुम्हें कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो, और तुम देखना चाहते हो कंटेंट को, तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ या लाइव आऊँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय।